धनबाद न्यायालय परिसर में सिक्योरिटी का जायजा लेने पहुंचे। एसएसपी संजीव कुमार बता दे, धनबाद एसएसपी संजीव कुमार के नेतृत्व में न्यायालय परिसर का सिक्योरिटी चेकिंग किया गया, जिसमें डीएसपी एवं धनबाद थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहे। वहीं आज के सिक्योरिटी चेकिंग का मुख्य उद्देश्य रहा, पूरे न्यायालय परिसर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर बिंदुओं पर बारीकी से नजरें बनाई गई और कई दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं एसएसपी संजीव कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश पर कई बार पिछले समय में सुरक्षा की दृष्टिकोण से यह देखा गया है कि कोर्ट परिसर में कई ऐसे भी गेट हैं जहां से कोई भी प्रवेश कर सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का यह निरीक्षण किया गया है। रेडी सर, बताया जाए आज जो मुख्यतः भी आप लोगों ने, ठीक है चलिए। आज हम लोग न्यायालय परिसर का सिक्योरिटी ऑडिट करने के लिए गए थे, क्योंकि न्यायालय परिसर, यहाँ दो दो न्यायालय परिसर हैं और काफ़ी सारे गेट्स हैं, और उसका न्यायालय परिसर में जो कुछ पिछले दिनों राज्य के जगहों पे कुछ एक दो घटनाएं घटी, उसको लेकर के आज पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी एक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था और कई निर्देश मिले हैं, उसको लेकर के हम लोग सिक्योरिटी ऑडिट में गए थे, और ताकि कोर्ट का जो प्रॉपर सिक्योरिटी, कैसे फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो, कहाँ हम लोग क्या एक्सेस कंट्रोल कर पाएँ, कैसे किसी कोई अगर गलत नहीं है सिक्योरिट में घुसता है तो उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर पाएँ, उसको उसका सही निर्णय ले पाए, तो इसलिए हम लोगों ने आज कोर्ट का सिक्योरिटी ऑडिट किया है। फोर्सेज की कमी या डिफरेंट गेट्स को देखा है, तो सब जो जो निर्देश हैं वो संबंधित विभाग को भी दिए जाएंगे। कुछ जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स है वो लिए जाएंगे, और हम लोग कोर्ट का जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित। किन किन जगहों पर सर कमियां दिखी? यहाँ तो कुछ है, जैसे कि फोर्सेज का कुछ कमी है, कुछ गेट्स हैं जो कि ऐसे ही सब लोग घुस रहे हैं, प्रॉपर फिस्टिंग की कुछ कमी है, प्रॉपर हमको लगता है कुछ ब्रीफिंग्स की भी कमी है, तो हम लोग उसके लिए अलग से एक कमिटी हमारी है जो लोगों को ब्रीफ भी करेगी, और हम लोग लगातार उस पर कुछ ना कुछ उसको बेहतर बनाएंगे और फुल प्रूफ सिक्योरिटी। ओके सर, थैंक यू।